subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update from popbollywood.com. फ्रेंड्स, आज हमारे साथ में शक्तिमान यानी कि मुकेश खन्ना, उन्होंने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। जो बच्चे एक्टिंग सीखना चाहते हैं उनके जो फीस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हाई होते हैं, लेकिन इन्होंने एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट खोला है जिसकी फीस बहुत ही कम रेट है। तो आइए इनसे ही जानते हैं कि आखिर इनके इंस्टीट्यूशन के बारे में। तो सबसे पहले तो मुकेश जी, वेलकम टू पॉप बॉलीवुड। थैंक्स अ लॉट। एंड जो आप सवाल पूछ रही हैं वो एक इनिशिएटिव इसलिए था कि हमारे यहाँ देश में सारे स्टेट से, गांव खेड़े से लोग आते हैं। आजकल तो बॉलीवुड की इमेज भी थोड़ी बिगड़ गई है ड्रग्स को लेकर, उसको लेकर, सुसाइड को लेकर, तो स्ट्रगलर्स भरे पड़े रहते हैं। तो मैं उनको करेक्ट गाइडेंस देने वाला कोई नहीं, एजेंसियाँ खुल गई जो आपको बोलती है आप हमारे एजेंसी में। तो हमने सोचा कि चलिए कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं एज इट इज शक्तिमान बन के यूथ से काफ़ी मैं मायने रखता हूँ और यूथ की मैं भविष्य के बारे में सोचता हूँ और भी सोचते होंगे। तो इसलिए एक्टिंग इंस्टीट्यूट खोला है जहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि अच्छी ट्रेनिंग दी जाए। मैं किसी को काम दिलाने का वादा नहीं करता कि कोई भी एक्टिंग स्कूल आपको काम नहीं दिलाता। वो सिर्फ आपकी बॉडी को, इंस्ट्रूमेंट को ठीक करता है, आपके अंदर का कीड़े को बचाने की आपके अंदर डिस्कवरी करता है। तो इसलिए मैंने शुरू किया है, बाकी देखते हैं। कॉम्पिटिटर्स बहुत हैं बट शक्तिमान तो शक्तिमान है, वैसे भी लड़ता है, एल्विश के बाशिंदों से भी लड़ता है। अच्छा, हमने देखा है कि ऐसे कई सारे इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ पर लोग खोलते हैं तो है, लेकिन वो खुद नहीं आते हैं सिखाने के लिए। लेकिन हमने यहाँ पे कुछ सुना है कि आप खुद आने वाले हैं बच्चों को एवरी सैटरडे समझाने के लिए, सिखाने के लिए। नहीं, ये गलत प्रोपेगेंडा मत कीजिए, हर सैटरडे मैं नहीं आने वाला हूँ। मेरी जो बिकॉज मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं एक्टिंग टीचर नहीं हूँ। मैं अच्छे टीचरों को लाके मैंने फैकल्टी बनाई है। मैंने इनफैक्ट जयपुर में रोशन तनेजा सर को भेजा था। हाँ, मेरे अंदर थोड़ी सी आवाज़ के लिए मेरी एक कशिश है, आवाज़ के लिए मेरा जो अनुभव है वो मैं बांटूँ। सो मैं अपनी पूरी बैच में एक बार आने की बात हुई थी, ये सब बोलते सर दो बार आइए, तीन बार आइए, वो डिपेंड करता है। मैं आऊँगा तो सिर्फ वॉइस ट्रेनिंग के लिए, नॉट टू टीच दी डांसेज और दी। सो या गलत बात मत बोलिए कि हर सैटरडे को मुकेश का नया पर आए मारेंगे मेरे को, सब इधर है मुकेश का। एक्टिंग के लिए पहले सबसे बड़ी बात यह है कि आपके लिए बड़ी ईमानदारी होनी चाहिए अपने आप के बारे में। मैं बुराई नहीं करना चाहूँगा आज के बच्चों के लिए, या उनके कुछ डिमोरलाइज भी नहीं करना चाहूँगा। हमारे इंस्टीट्यूट जब फिल्म इंस्टीट्यूट होती थी तो पूरे देश भर में से 10 लड़के और 10 लड़कियाँ चुनी जाती थी। मैं पहले ऑडिशन में फेल हो गया, सेकेंड ईयर मेरी एडमिशन पूरा हुई, तो वो बेस्ट को उठाते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर क्या है कि डिमांड इतना हो गया है, सप्लाई कम है। तो अभी मैं ये नहीं बोलूंगा कि क्या होना चाहिए, पर मैं इनको सबको बोलता हूँ कि सबसे बड़ी बात है कि आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए और सोचिए कि मेरे अंदर कुछ है कि जो लोग मेरे को देखेंगे। फिरोज खान साहब का एक स्टेटमेंट था, मुकेश जब फिरोज खान 100 लोगों के बीच में खड़ा रहता था ना, तो आपको मालूम पड़ता था कि फिरोज कौन लड़का, कौन है फिरोज खान खड़ा। उस जमाने में लार्जर देन लाइफ पर्सनैलिटी चाहिए, आज जरूरी नहीं। आज टीवी में सब चल जाते हैं, आप भी टीवी में एक्टिंग कर सकते हैं, ये भी एक्टिंग कर सकते हैं। तो रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है, बट इंस्ट्रूमेंट है, कैमरा है, आवाज है, पर्सनैलिटी है। आपको प्रोड्यूसर एक बार काम देगा, आप अगर फपलाओगे 19 रीटेक दे दोगे तो वो पूछेगा किसको पकड़ कर लेकर आया है, तो अगली बार मेरे सामने मत देगा, किसी के पास टाइम नहीं। सो यू हैव टू बी रेडी फॉर दी शॉट्स, मेमोरी ठीक कीजिए, आवाज ठीक कीजिए, अपने लुक ठीक कीजिए। सो दैट इज द थिंग। लास्टली मुकेश जी, मतलब ऐसे तो ये इंस्टीट्यूशन आपका, तो आपको कोई प्रमोशन की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी क्या आप बिग बॉस में जाएंगे इसका प्रमोशन करने के लिए? बिग बॉस मैं कपिल शर्मा शो में भी नहीं जाऊंगा, मैं सामने से बोलता हूँ। और बिग बॉस भी मैं अपने प्रमोशन के लिए नहीं जाता हूँ, तो अपने इंस्टीट्यूट के प्रमोशन के लिए भी। तो मत आप अचानक ये नया बिग बॉस कहाँ से सवाल उठ गया, मैं तो बिग बॉस के लिए बहुत कम बोला। मैंने इतना बोला कि 4 बार बुलाया था और 4 बार मैंने मना कर दिया, क्योंकि वो मेरे एंड दिस इज नॉट अवर कल्चर, ठीक है।